Hello friends and welcome back to the Aquarist World. And today's video topic is myths and misconceptions about aquarium hobby. तो फ्रेंड्स अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। और फ्रेंड्स ये वाली जो वीडियो है इसको कंप्लीट कराने मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, जिसका नाम चरणराज है। तो फ्रेंड्स चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं उससे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक्वेरिस्ट वर्ल्ड। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त प्रवेश ने मुझसे कुछ एक्वेरियम रिलेटेड सवाल पूछे थे जिनका मैंने जवाब दे दिया था। तो चलिए जानते हैं कि जो सवाल के जवाब मैंने दिए थे वो सही थे या गलत। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे अपने फ्रेंड से उसके उसने क्या आंसर्स दिए हैं और मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे। तो चलिए स्टार्ट करें सबसे पहले क्वेश्चन से, देखते हैं। तो दोस्तों मेरा दोस्त का पहला सवाल ये था कि हम एक मछली को कितना बड़ा टैंक दें, और मैंने तो उससे कह दिया भाई आप एक छोटी मछली लाइए, उसको एक मीडियम साइज टैंक में डालिए तो वो मछली उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी आपकी टैंक है। इस पर इतना ध्यान देने वाली कोई बात नहीं है, अगर आप एक मछली को जितना बड़ा टैंक प्रोवाइड करेंगे उतनी ही बड़ी वो मछली होगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरा जायंट गुरामी एंड सिकलेट टैंक। इसमें मैंने एक जायंट गुरामी और कुछ सिकलेट फिशेस छोड़े। मैं जब ये जायंट लाया था तो ये सिर्फ 2 इंच का था और आज एक तकरीबन 6 इंच की हो गई है। तो मैं तो इसको परमानेंटली इसी में रखने वाला हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी टैंक हो मछली उतनी ही बड़ी होती है। मेरा टैंक अभी 3 फीट का है तो ये शायद 2 फीट तक की हो जाएगी, और अगर मैं इसको 4 फीट में डालूंगा तो ये सिर्फ 3 फीट की होगी, इससे बड़ी नहीं होगी, सिर्फ 3 फीट की रहेगी। तो मुझे लगता है जितना भी टैंक हम देंगे मछली सिर्फ उतना ही बड़ा होगा, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप जितना बड़ा उसको टैंक दे रहे हो उतनी बड़ी आपकी फ़िश होगी, उसके अकॉर्डिंग में कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ हद तक फिश के साथ होता है कि जैसे कि अपन ने कोई फिश पाली वो उसका मैक्सिमम साइज 4 फिट है और अपन ने उसको टैंक दिया 3 फिट का, तो हो सकता है कि उसकी जो ग्रोथ है वो अबाउट 1.5 फिट या तो फिर 2 फिट तक आके उसकी ग्रोथ रुक जाए। एक्चुअली ग्रोथ रुकती नहीं है, ग्रोथ सिर्फ स्लो डाउन होती है। ग्रो करती है मछली लेकिन बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ रेट पे करती है, लेकिन उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर वो बिल्कुल सेम रेट पे ही ग्रो करते हैं जिस रेट पे उसकी पहले बॉडी ग्रो कर रही थी। लेकिन उसमें क्या होता है बॉडी बहुत धीरे धीरे ग्रो करती है और ऑर्गन उसी रेट पे ग्रो करते हैं, तो एट टू एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है जिसकी वजह से फिश की डेथ हो जाती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जो शॉर्ट बॉडी फ्लावर हॉर्न होती है उसका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा कम होता है इन कंपैरिजन टू लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन से बनाया जाता है जिसके थ्रू उसकी जो बॉडी रहती है वो तो छोटी रह जाती है लेकिन उसके जो ऑर्गन्स रहते हैं वो बिल्कुल लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न के तरह ही बढ़ते हैं और उतने ही बड़े हो जाते हैं जितने लॉन्ग बॉडी फ्लावर हॉर्न के होते हैं। और इसी वजह से उसकी बॉडी छोटी होने की वजह से जब उसके ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो एट एंड ऑर्गन डिसफेलियर हो जाता है और उससे फिश की डेथ हो जाती है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपन जितना बड़ा टैंक देते हैं उसी के अकॉर्डिंग फिश बड़ी होती है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। अपन को टाइम टू टाइम अपने फिश का टैंक अपग्रेड करता रहना चाहिए। जैसे कि अगर अपन कोई छोटी फिश लाए हो वो थोड़े टाइम बाद बड़ी हो गई तो उसको और उसका जो मैक्सिमम साइज है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो अपन उसको नया टैंक प्रोवाइड करना चाहिए। और जैसे कोई बड़ी फिशेज होती हैं जैसे कि सिल्वर एरवाना वगैरह, इनको आप पहले टैंक में पैट कर सकते हैं लेकिन जैसे ही अबाउट 2 फिट के साइज़ में पहुंच जाती हैं तो उसको अपन को यही अच्छा रहता है कि इसको किसी पॉन्ड में पैट करें अपन, क्योंकि वो उसके लिए एकदम सही जगह रहेगी पॉन्ड, क्योंकि फिश जो सिल्वर एरवाना होती है वो टैंक वगैरह में इतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाती है। मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी है अपने टैंक में सिल्वर एरवाना को लेके, तो उसको देखते हैं अब कहाँ मूव करता हूँ मैं, जल्दी कुछ करूँगा उसका। तो फ्रेंड्स इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जितना बड़ा मैं टैंक दूंगा फिश को उतनी ही बड़ी फिश होगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपकी फिश की ग्रोथ रुक जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे ग्रोथ करती है फिश, लेकिन उसकी जो ऑर्गन की ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं रुकती है, एट टू एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है आपकी फिश की डेथ हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की साइड। दोस्तों मेरा दोस्त प्रवेश का दूसरा सवाल ये था कि मैं अपने एक्वेरियम्स में वाटर चेंज कैसे करता हूँ। तो मैंने तो उसको बता दिया है कि एक एक्वेरियम एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है जिसके हिसाब से पानी का चेंज खुद कुदरत करता है। अगर आप समझे नहीं तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पानी ऑलमोस्ट 1 से 1.5 इंचेस तक कम हो गया इवेपोरेशन की वजह से, तो मैं इस हफ्ते के आखिर में बस इसमें 1 इंच या 2 इंच तक का पानी भर दूंगा और मेरा हफ्ते का वाटर चेंज कंप्लीट हो गया। भाई एक्चुअली ऐसा नहीं होता है कि आपने जितना पानी खा लिया इवेपोरेशन के थ्रू उतना ही पानी आपने फिर भर दिया, आप उसको ऐसा कंसीडर करें कि आपने वाटर चेंजेस कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और भाई आपने एक और बात बोली थी कि एक एक्वेरियम में एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है जो कि कुदरत संभालता है। हाँ मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ कि एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है जिसमें पूरी एक लाइफ वो कैरी करता है, वो बहुत अच्छे तरीके से फिशेज वगैरह रहती हैं, प्लांट्स वगैरह रहते हैं, किसी के साल्ट वाटर कोरल रीफ वगैरह रहते हैं, लेकिन
उसको कुदरत हैंडल नहीं करता है, उसको अपन ने एक कांच के डब्बे में बना के रखा है अपने कमरे के अंदर, तो उसको कुदरत बिल्कुल भी हैंडल नहीं करता है। और रही बात एवेपोरेशन की, तो एवेपोरेशन से जो पानी एवेपोरेट होता है उसको अपन एज अ वाटर चेंजेस कंसीडर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि जब पानी एवेपोरेट होता है तो उसमें से जो पानी में सॉल्ट्स रहते हैं, सॉल्ट रहता है, अमोनिया रहती है, नाइट्राइट रहती है, नाइट्रेट रहती है, तो ये तीनों की लेवल और ज़्यादा हाइक हो जाती है जब पानी एवेपोरेट होता है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी कम हो जाती है और इनकी क्वांटिटी सेम रहती है उसमें, तो पानी का रेशियो, इन लोग का रेशियो, इनका रेशियो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू पानी का रेशियो, तो इसलिए उसकी हाइक हो जाती है बहुत ज़्यादा अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट की। तो इसलिए क्या होता है, जो पानी से एवेपोरेट होता है वो प्योर वाटर एवेपोरेट होता है, ना कि कोई भी एलिमेंट्स वगैरह जो कि अपने फिशेस को हार्म कर रहा है वो बिल्कुल एवेपोरेट नहीं होते हैं। इसलिए अपन को ये जो एवेपोरेशन वाला प्रोसेस होता है इसको एज अ वाटर चेंज नहीं मानना चाहिए, अपन को प्रॉपरली एक हफ्ते में अबाउट 50% ऑफ वाटर अपने एक्वेरियम का चेंज करना चाहिए। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप जब भी एवेपोरेट होता है पानी, आपके फिशेस थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती हूँ, आप उसके बाद जब पानी और फिल कर देते हैं, जितना पानी एवेपोरेट हो गया तो उतना पानी फिर से फिल करते हैं और आपके फिशेस फिर से ठीक हो जाती हैं, बढ़िया स्विम करने लगती हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाती हैं, तो ऐसा सिर्फ आपका अबाउट 1 से 2 दिन तक ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर से वही लेवल हाइक हो जाएगी उसी वाटर में और वही वाटर फिर से वही एवेपोरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्रॉपर वाटर चेंजेस ही करिए, कभी भी ये मत सोचिए कि जितना पानी एवेपोरेट हो गया आपने उतने बाल्टी पानी डाल दिया और आपका आपका वाटर चेंज का काम बच गया, तो कभी भी लेजी नहीं रहिए एक्वेरियम में। आप लेजी हुए आप अपनी फिश गवा देंगे, जिस दिन आप अपने एक्वेरियम के कामों को लेके लेजी हो गए उस दिन आपकी फिश मर जाएगी, ये बात लिख के रख लीजिए, ये बात सच में सच है। अगर आपने लेजीनेस दिखा दी अपने फिश के थ्रू तो फिश भी फिर नहीं बचती हैं, क्योंकि वाटर चेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हर हफ्ते। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वो इवेपोरेटेड वाटर को वापस रिफिल करना ये तो मेरा वीकली वाटर चेंज है, लेकिन अपनी मंथली वाटर चेंजेस अलग होती है। मैं अपने फिशेस और अपनी हॉबी से बहुत पैशनेट हूँ और उसकी ध्यान रखने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। महीने में एक बार मैं अपने सारे फिशेस को एक टब में डालता हूँ, अपनी सबस्ट्रेट, फिल्टर, यहाँ तक कि अपनी हीटर को भी निकाल के बाहर गर्म पानी में धोता हूँ और उसके बाद टैंक को डिटर्जेंट या सोप से पूरी तरह से चकाचक कर देता हूँ। जब मैं वापस अपनी सबस्ट्रेट डाल के फिल्ट्रेशन और हीटर इंस्टॉल करके फिशेस को वापस इंट्रोड्यूस करता हूँ तो मेरा टैंक तो पूरा चमकदार, इतना साफ, इतना खिला हुआ रखता है कि मुझे खुद उस पर और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाती है। मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं अपने एक्वेरियम से बहुत प्यार करता हूँ और अपने फिशेस से भी। मैं अपनी हॉबी का एक पक्का पैशनेट हॉबीस्ट हूँ भाई। और सब लोग जितने जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ जो ओवर केयरिंग होती है एक्वेरियम की वो बहुत ज़्यादा हार्म कर जाती है अपनी फिशेस को, क्योंकि कुछ लोग इसी तरीके से सोचते हैं जैसा कि अभी आपने देखा, जैसा कि मेरा फ्रेंड सोचता है कि जो अपनी फिशेज़ हैं उनको बढ़िया एक महीने में बढ़िया बाहर निकाल के एक अलग से टब में निकाल के और फिर सारा सब्सट्रेट वगैरह बाहर निकाल के, फिल्टर वगैरह बाहर निकाल के, पूरा एक्वेरियम बाहर निकाल के उसको डिटर्जेंट वगैरह सबसे धो के बिल्कुल गर्म पानी से बॉयल करके सब कुछ वापस डालते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बिगनर एक्वेरिस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जितना भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो अपन सारा लूज़ कर जाते हैं, 1% बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी नहीं बचता है अपने एक्वेरियम में, तो ये अपन सारा का सारा लूज़ कर जाते हैं। और उससे क्या होता है, जब अपने सारी फिशेस वापस डालते हैं, फिशेस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रहती हैं तो अमोनिया का लेवल इतनी जल्दी स्पाइक होता है और अमोनिया लेवल स्पाइक होने के कारण बेनिफिशियल बैक्टीरिया अपने एक्वेरियम में तो प्रेजेंट है नहीं, तो जैसे ही अमोनिया लेवल स्पाइक होगा वो फिशेस को इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से हार्म करेगा कि आपके फिशेस ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी, विद इन 2 to 3 to 4 days में उनकी 100% डेथ हो जाएगी। इसलिए अपन को कभी भी इतने ज़्यादा केयरिंग नहीं रहना है फिशेस के थ्रू कि अपन उसको पूरा बाहर निकाल लें और फिर पूरा साफ़ कर रहे हैं और पूरा एकदम बॉयल कर रहे हैं सब कुछ और वापस डाल दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उससे अच्छा तो है फिर आपने अगर सब्सट्रेट भी बॉयल किया तो फिशेस भी, अब क्या बोला मैं बोल नहीं रहा हूँ ये बात, लेकिन आप एट टू एंड उनको कर वही रहे हैं अपना सब्सट्रेट वगैरह सब कुछ ग्लास वगैरह साफ़ करके डिटर्जेंट से, वो जो मैं बोलना चाहता हूँ आप भी समझ गए। तो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो आप सच में वही चीज़ कर रहे हैं इनडायरेक्टली, लेकिन आपके एक्वेरियम में जब वो फिश जाएगी तो एट टू एंड उसकी डेथ होनी ही होनी है अगर आपने ये काम कर रहे हैं तो। लेकिन किसी किसी केसेस में ऐसा नहीं होता है, बहुत लोग करते हैं क्योंकि उनका जो वाटर क्वांटिटी होता है इन कंपेरिजन टू उनकी जो फिश की क्वांटिटी वो रखते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, बहुत ज़्यादा वाटर रहता है उनके में और उनके टैंक में अबाउट 1, 2, 3, 4 मछली डली रहती हैं, इसलिए उनके में इतना ज़्यादा हार्म नहीं होता है अगर उनकी वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है तो। लेकिन अगर उनकी वाटर क्वांटिटी भी कम है
तो उनके टैंक में भी 100% हार्म कर जाएगा अगर बेनिफिशियल बैक्टीरिया सारा मर गया, और से बेनिफिशियल बैक्टीरिया सारा मर जाता है, एक्वेरियम साइकिल पूरी ख़त्म हो जाती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है एक्वेरियम में, और एट टू एंड आप कुछ दिन बाद अपनी फ़िश भी खो देंगे, आपकी फ़िश भी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसा कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि वो पूरा इतना पैशनेट है कि सब कुछ साफ़ कर देता है, सब कुछ गर्म पानी डिटर्जेंट से, आपको कुछ भी कभी ऐसे साफ़ नहीं करना है। आपको अगर अपना एक्वेरियम को डिसमेंटल करके रखना भी है, डिसअसेंबली उसकी पूरी करनी है, तो भी उसको आप डिटर्जेंट से साफ़ नहीं करिए, उसको एक विनेगर से साफ़ करिए, तो सॉल्ट से साफ़ करिए। अब सॉल्ट से एज अ स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं, विनेगर एज अ डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर वो उसका थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो फिशेस को हार्म नहीं करता है, लेकिन जो डिटर्जेंट और सोप का जो एसेंस रहते हैं वो कभी भी 100% नहीं हटता है ग्लास से, और वो अपने फिशेस को बहुत ज़्यादा हार्म कर देता है। कभी भी अपन को यूज़ नहीं करना है अपने एक्वेरियम में, चाहे आप अपने एक्वेरियम हटाए ही क्यों ना रहे हो, या अपने एक्वेरियम को फिर से साफ़ करके क्यों ना लगा रहे हो, कभी भी डिटर्जेंट और केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है एक्वेरियम को साफ़ करने के लिए, हमेशा विनेगर या तो सॉल्ट का यूज़ करना है। और कभी भी पूरी सारी फिशेस बाहर निकाल के, सबस्ट्रेट बाहर निकाल के ऐसी साफ़ नहीं करना है। कुछ कुछ लोग फिशेस बाहर निकालते हैं लेकिन वो सबस्ट्रेट को बाहर निकाल के क्लीन नहीं करते हैं, सबस्ट्रेट को वैक्यूम करते हैं ग्रेवल क्लीनर से, वो सही रहता है। फिशेस वही बाहर निकालनी चाहिए जो आपको डिस्टर्ब करें आपका एक्वेरियम क्लीन करने में। मेरे हिसाब से तो कोई भी फिश ऐसी नहीं होती है जो ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, कुछ एरवाना वगैरह ही रहती है वो, क्योंकि वो जंप करती है डर जाती है तो, लेकिन उसके भी अगर आराम आराम से आप करोगे तो उसको भी आप टैंक में रह के ही बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो अपना वाटर। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फिशेस को टैंक में ही रहने दो और पूरा टैंक क्लीन कर लीजिए, ग्रेवल क्लीनर से क्लीन कर लीजिए, स्क्रबर से लीजिए, अपना ग्लास क्लीन कर लीजिए, लेकिन सब्स्ट्रेट वगैरह बाहर निकाल के मत धोइए उसे, और फिल्टर सेम डे पे कभी भी साफ़ नहीं करना है अपन को। फिल्टर और जब अपने एक्वेरियम को क्लीन करते हैं उनको ऑल्टरनेट डेज पर करना है, मतलब अबाउट गैप में करना है, अबाउट 3 से 4 से 5 दिन के गैप में साफ़ करना है फिल्टर और एक्वेरियम, क्योंकि जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है वो मैक्सिमम फिल्टर में ही होता है। और जब अपन अपने एक्वेरियम को क्लीन करते हैं तो अपन थोड़ा बहुत बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऑलरेडी खो देते हैं, चाहे जितने प्रिकॉशंस लें लेकिन बेनिफिशियल बैक्टीरिया अपन 100% खोते ही खोते हैं थोड़े बहुत अमाउंट में। इसलिए अपन को कभी भी सेम डे पे अपना फिल्टर और अपना जो एक्वेरियम वो क्लीन नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया अपने फिल्टर में ही होते हैं। तो फिल्टर को आप थोड़े दिन बाद क्लीन कर सकते हैं, जब तक अपने जो टैंक में अपन ने बेनिफिशियल बैक्टीरिया खोए थे वो फिर से रीग्रो हो जाएंगे, फिर से कॉलोनी बना लेंगे उतने दिनों में, और अपनी फिशेज हेल्दी रहेंगी, एक्वेरियम साइकिल रहेगा पूरा, जितनी अमोनिया वो प्रोड्यूस करेंगी उतनी अमोनिया वो अपने बैक्टीरिया खा जाएंगे, और फ्रेंड्स ऐसे ही आपकी फिशेज हैप्पीली रहेंगी। और यही करना चाहिए अपन को, कभी भी पूरा साफ़ नहीं करना चाहिए इसलिए एक्वेरियम, ताकि आपके फिशेज सेफ रहें और हेल्दी रहें और कभी ना मरें। कभी तो नहीं, जब लाइफ स्पेन पूरा होता है तब तो फिश मरी जाती है, लेकिन अपन कोशिश कर सकते हैं कि अपन उसको उसकी पूरी लाइफ स्पेन दें अगर अपन ने उसको पाला है तो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की साइड, जो कि मैंने पूछा था अपने फ्रेंड से। मैं अपनी मछलियों को कितना खाना खिलाता हूँ? तो मतलब मैंने तो उसको बोल दिया कि मैं तो अपनी मछलियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं उतना खिलाता हूँ जितना वो खाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि अगर मैं उसको एक बार खिला दिया तो अगर फिर से वो भूखे हैं तो मैं उनको दोबारा तो खिलाऊंगा ना, वो मेरे मछली है, मेरे बच्चे जैसे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैं सुबह से इनको 3 बार फीड दे चुका हूँ और ये अब भी भूखे हैं, तो मैं इनको 4th बार भी फीड दूंगा, क्योंकि ये मछली मेरे हैं और मुझे इनको खुश रखना है कैसे भी करके। देखिए ये खाना खाते हुए कितने खुश लग रहे हैं सब। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई और सब लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वाली, अपन को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि फिश जितना खा रही है उसको उतना खिलाते जाएं, उतना खिलाते जाएं, उतना खिलाते जाएं। इससे आपके फिश की एट टू एंड डेथ हो जाती है, क्योंकि उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। एक कहावत है, हंग्री फिश इज़ अ हेल्दी फिश। जो भूखी मछली होती है वही एक हेल्दी मछली होती है, उसी को हेल्दी मछली माना जाता है, क्योंकि फिशेस को नहीं पता होता है कि उनको कितना खाना है कितना नहीं खाना है, वो खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं, और एट टू एंड उनका पेट इतना ज़्यादा फूल जाता है, वो उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं और उनकी एट टू एंड डेथ हो जाती है। तो अपन को एक नॉर्मल डाइट ही देनी है उनको, ज़्यादा नहीं खिलाना है बिल्कुल भी। जैसे कि मेरे फ्रेंड ने देखा तो उसने 3 बार ऑलरेडी खिला चुका था वो, और लेकिन वो जैसा कि बोला था कि उसकी फिशेज उसके बच्चे जैसी हैं तो वो उनको और खिलाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश दिखते हैं खाना खाते हैं, तो उसने 4th बार भी फीड कर दिया। तो ऐसा अपन को बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत है और इससे अपनी फिशेज की डेथ हो सकती है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ।
जैसे कि इरिडेंट शार्क हो गई, तो आप उसको इतना ही फूड दीजिए जितना कि वो 10 सेकंड में पूरा ख़त्म कर पाए, उससे ज़्यादा फूड मत दीजिए। 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक फूड नहीं रहना चाहिए उसके टैंक में, इतना ज़्यादा फूड मत दीजिए उसको, उतना ही फूड दीजिए जितना वो 10 सेकंड में पूरा ख़त्म कर ले। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट ईटर होती है तो ज़रा सी टाइम में बहुत ज़्यादा फूड खा लेती है। ऐसी बात कर लेते हैं गोल्ड फिश और जो टेट्रा वेराइटीज़ होती हैं वो उनके कंपेरिजन में थोड़े स्लो ईटर होते हैं, तो उनको इतना फूड देना है कि 30 सेकंड तक ही पानी में फ्लोट करे फूड, उसके बाद पूरा फूड ख़त्म हो जाना चाहिए उनके टैंक से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंगरी रहती है तो इतने टाइम तक तो वो ख़त्म कर ही देंगी। अब बात कर लेते हैं जो स्लो ईटर्स होते हैं, जैसे कि एंजल फिश, वो बहुत ज़्यादा स्लो ईटर होती है, तो उसके टैंक में फूड अबाउट 50 सेकंड तक ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा देर तक उसके टैंक में फूड फ्लोट नहीं करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा देर तक कर रहा है तो मतलब आप उसको ओवरफीड कर रहे हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि आपको किसी भी फिश को ओवरफीड नहीं देना है, ओवरफीडिंग से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कि बात कर लेते हैं जो ऑस्कर हो गई, जो मतलब जो भी प्रेडेटर फिश की बात करते हैं, जो भी प्रेडेटर फिश हो गई, उनको अपन को अबाउट 2 दिन में एक बार फीड देना है, ऑल्टरनेट डेज वाइज फीड देना है। जैसे कि मैंने आज सुबह उसको फीड दे दी अपनी ऑस्कर्स को, तो फिर मुझे आज पूरे दिन फीड नहीं देनी है और कल भी फीड नहीं देनी है, अब सीधे मुझे परसों फीड देनी है। लेकिन इस चीज़ में एक ध्यान रखें कि जब आप उसको एक बार फीड दें तो उसको एकदम प्रॉपर फीड दें, उसका एकदम पेट भर दें अच्छी तरीके से, जितना वो खाए उतना उसको खिला दें। उसके बाद फिर उसको अबाउट आज के दिन और कल का दिन नहीं खिलाएं, एक दिन छोड़ के, मतलब ऑल्टरनेट डेज वाइज पे आपको उसको फीड करना है। क्योंकि जब एक एडल्ट ग्रोन प्रेडेटर फिश होती है, जो भी जैसे कि एडल्ट ग्रोन ऑस्कर हो गई या कोई भी प्रेडेटर फिश हो गई एडल्ट ग्रोन, तो उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है और वो फूड को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे डाइजेस्ट कर पाती है, इसलिए अपन को उसको थोड़ा टाइम बाद फूड देना है ताकि पूरा जो फूड के न्यूट्रिशन और प्रोटीन्स हैं वो उसके बॉडी में लगें। अगर आप उसको जल्दी जल्दी फूड देंगे, जैसे कि आज भी आपने उसको सुबह फूड दे दिया, फिर रात को दे दिया, फिर कल सुबह दे दिया, शाम दे दिया, रात दे दिया, तो क्या होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट करती है फूड और उसके बॉडी में नहीं लग पाता है वो फूड, उसके जो न्यूट्रिशन प्रोटीन है वो सारे वेस्ट चले जाते हैं उसके पूप में। तो अपन को ऐसा नहीं करना, उसको अबाउट जो एडल्ट ग्रोन फिश होती है उनके मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, इसलिए उनको थोड़े टाइम पीरियड बाद अबाउट ऑल्टरनेट डेज वाइज ही फीड करना होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए कि अभी अपनी फिश को कभी भी ओवर फीड नहीं करिए, और फीड करने से पहले थोड़े स्टडी जरूर कर लीजिए फिश के ऊपर कि उसको क्या पसंद है, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, ये सब। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। दोस्तों मेरा दोस्त प्रवेश का 5वां क्वेश्चन ये था कि क्या मैं अपनी मछलियों को उनका रेगुलर डाइट खिलाता हूँ, और मेरा जवाब ऑब्वियसली नहीं था। मैं अपनी मछलियों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उनको उनका नेक्स्ट लेवल का डाइट खिलाता हूँ। चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास है कुछ कपीस, 2-3 मोलिस और एक फीमेल बेटा, तो मतलब इनके लिए एक प्रॉपर डाइट होगी, एक फ्लेक डाइट या एक माइक्रो पिलेट डाइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये और ज़्यादा से अच्छे से ग्रो हो और इनकी कलरेशन भी और ज़्यादा बढ़ जाए और ज़्यादा खुश भी रहे, तो मैं इनको खिलाता हूँ एक सिकलेट डाइट। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा बेटा और मेरा दूसरा बेटा, इनको भी मैं देता हूँ सिकलेट डाइट ताकि ये अच्छे से ग्रो करे, इनके कलर्स ज़्यादा शाइन करें और ये अच्छे से रहे। भाई मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि किसी भी फिश को उसको ग्रूम करने के लिए, उसको अच्छा ग्रो करने के लिए, ऐसा नहीं होता है कि उसको अपन को ज़्यादा ही प्रोटीन की डाइट देनी पड़ेगी तभी वो अच्छी ग्रो होगी, अच्छी ग्रूम होगी, अच्छी हेल्थ होगी उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर एक फिश के हिसाब से, हर एक फिश की ब्रीड के हिसाब से उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसको अलग टाइप का फूड चाहिए रहता है। जैसे कि जो गोल्ड फिश होती है उसको कम प्रोटीन का फूड चाहिए रहता है, इन कंपैरिजन जो सिकलेट्स होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन का फूड चाहिए रहता है। तो जो ऑप्टिमम 3-in-1 होता है वो एक प्रोटीन डाइट होता है गोल्ड फिश को, और जो स्टेपल डाइट होता है अपनी सिकलेट्स को, जो फूड सेम है लेकिन दोनों के पर्पस अलग हैं दोनों फिश के कैटेगरी में। गोल्ड फिश में वहाँ पे वो प्रोटीन डाइट में गिना जाएगा, लेकिन सिकलेट में वो एज अ स्टेपल डाइट गिना जाएगा, और अपन को दोनों ही डाइट देने पड़ते हैं अपनी फिशेस को, प्रोटीन डाइट और स्टेपल डाइट। तो जैसे कि आप समझ लीजिए, अगर आपको अपने गोल्ड फिश को फीड करना है तो आप उसको सुबह 3-in-1 दे सकते हैं, ऑप्टिमम 3-in-1, लेकिन रात में आपको उसको ऑप्टिमम का गोल्ड फिश फूड ही देना होगा। और अपने जैसे कोई प्रेडेटर फिशेस रहती हैं जो कि जैसे सिकलेट्स मान लेते हैं ऑस्कर, तो उसको आपको कुछ 2 डाइट पर रखना होगा, एक स्टेपल डाइट पे। तो स्टेपल डाइट में आप उसको ऑप्टिमम 3-in-1 दे सकते हैं, और उसकी जो प्रोटीन डाइट है उसमें आप उसको कार्निवोरस पैलेट्स दे सकते हैं, या तो कोई भी फ्रेश फूड वगैरह है तो लाइव फीड दे सकते हैं, तो उससे वो हेल्दी रहेगी। और इस वाली डाइट से गोल्ड फिश हेल्दी रहेगी जिसमें आपको 3-in-1 और ऑप्टिमम गोल्ड फिश देना है, और इस वाली जो ऑस्कर की डाइट है वो ऑप्टिमम 3-in-1 स्टेपल डाइट है, और जो कार्निवोरस पैलेट्स हैं वो उसके लिए प्रोटीन डाइट हैं और या तो फ्रेश फूड वगैरह। तो इसलिए हर कैटेगरी फिश को
अलग डाइट चाहिए पड़ती है, अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं फूड को लेके। तो ऐसे अपन किसी का भी फूड किसी को नहीं फीड कर सकते हैं। अगर आपने अपने गोल्डफिश को ज़्यादा प्रोटीन का फूड दे दिया तो उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो एट टू एंड मर जाएगी। और वहीं आपने अगर अपने ऑस्कर को कुछ ज़्यादा ही लो क्वालिटी का फूड दे दिया, जैसे कि ऑप्टिमम गोल्डफिश वाला फूड फीड कर दिया अपने ऑस्कर को, तब भी उसका डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। वो मतलब उसकी हेल्थ बिल्कुल ख़राब होगी, इम्यून इतना अच्छा नहीं होगा और एट टू एंड उसकी भी डेथ हो जाएगी। वो मतलब बहुत बेकार तरीके से ग्रो करेगी और उसका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अगर आपकी मछली 10 से 15 साल जी रही थी तो वो अबाउट 4 से 5 साल में ही मर जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके बातों का भी अपन को ध्यान देना होगा। अगर आपको अपने फिश को हैप्पी और हेल्दी रखना है तो उसको प्रॉपर डाइट दें, उसके बारे में सर्च करें। और इस वाले टॉपिक पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी अपने चैनल पे, उसको देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की साइड। दोस्तों, छठे क्वेश्चन के नाम पे तो प्रवेश ने सिर्फ मेरे साथ बकवास ही किए। वो कह रहा था कि आप एक टाइप के फिश को दूसरे के साथ मिक्स नहीं कर सकते। ये कैसी बात हुई भला? चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे फिशेस रखे हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास है एक जायंट गुरामी, एक सेवरम और एक एंजल। एंजल को सिकलेट्स में सबसे वीक माना जाता है और इनको सिर्फ प्लांटेशन टैंक या कुछ सॉफ्ट फिशेस के साथ ही छोड़ना सही माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्रेसिव जायंट गुरामी रखा, एक सोजन मेजर, सेवरम्स, एक मोनो एंजल और एक पैरेट के साथ भी इस एंजल को रखा है। तो ये प्रूव यही करता है कि आप किसी भी फिश को किसी भी टाइप के फिश के साथ मिक्स कर सकते हैं और वो खुशी खुशी रह जाएंगे जब आप एक बच्चे को लाएंगे। मैंने इसमें जब एंजल डाला था तब वो तो एक बड़ा था, लेकिन जायंट गुरामी और सेवरम्स बच्चे थे। क्योंकि एंजल का ग्रोथ स्लो होता है, ये जल्दी बढ़ गए और क्योंकि ये साथ में बड़े हैं, ये दोनों दोस्त हैं और ये एक दूसरे से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। भाई, मैंने आपसे कोई भी बकवास नहीं करी थी। ये बात सच है कि अपन किसी भी वैरायटी के फिश के साथ कोई और सी वैरायटी नहीं डाल सकते हैं। आपको अगर बकवास लगती है तो आप ऑस्कर को गोल्ड फिश के साथ डाल के देख लीजिए और रिजल्ट आप देख सकते हैं क्या होगा। बहुत ज़्यादा कम केसेस ऐसे होते हैं कि फिश दूसरे फिश से नहीं बोले। आप मेरा मैं अपना खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ। पीछे आप देख सकते हैं मेरे टैंक में मेरे एक पार्टीशन में मैंगो ऑस्कर पड़ी है, वो ऑलमोस्ट अबाउट 10 इंचेस की है और जो मेरी अदर ऑस्कर्स हैं वो 15 इंचेस की हैं। लेकिन ऑस्कर सेम ब्रीड है लेकिन वो नहीं चल रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं। ये एग्रेशन पे भी डिपेंड करता है फिश के कि वो दूसरी फिशेस को रहने दे रही है कि नहीं। आपकी जायंट गुरामी हो सकता है कि फीमेल हो इसलिए उसने इतना ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाया एंजल के थ्रू। तो फ्रेंड, तो दोस्तों, ऐसा मतलब नहीं होता है हर जगह। बहुत ज़्यादा कम केसेस होते हैं कि उसमें दूसरी वेराइटी के फिशेस दूसरी वेराइटी के साथ चल जाएँ। मैंने तो ऑस्कर को भी गोल्ड फिश के साथ चलते हुए देखा है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है। मेरी ऑस्कर डाल के देखिए आप गोल्ड फिश के टैंक में, आपको गोल्ड फिश विद इन अ सेकेंड ही गायब हो जाएंगी और ये ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप समझ लीजिए आपके पास एक कोई ऐसा टैंक है, गोल्ड फिश टैंक या कोई भी ऐसा टैंक है जो अपनी ऑस्कर आराम से खा ले टेट्रा वगैरह का, और आप सोचें कि ये वाली फिशेज इसमें बहुत पहले से रह रही हैं और ये इन लोग का डोमिनेंट चलता है इस वाले टैंक में, तो मैं इसमें एक ऑस्कर लेके आके डाल दूंगा या तो कोई ऐसी प्रेडेटर फिश डाल दूंगा तो वो इसको डोमिनेंट करेंगी और तो ऑस्कर उनको नहीं खा पाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। जैसे ही वो ऑस्कर उन सराउंडिंग्स के फेमिलियर होगी वो वैसे ही उन सारी फिशेस को खा जाएगी। शुरुआत में मैं भी मानता हूँ कि वो नहीं खाएगी, वो स्ट्रेस में रहेगी, वो डरी रहेगी, लेकिन जैसे ही उसका स्ट्रेस आउट होगी वो पूरी और फेमिलियर हो जाएगी सराउंडिंग से, वो 100% खा जाएगी। और भाई, आपने बोला कि वो आपकी जो फिशेज हैं वो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं खाएंगी, तो भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मतलब अगर आपकी जो जायंट गुरामी है उसका एग्रेशन बढ़ गया तो भाई बहुत मुश्किल है कि आपकी एंजल बच जाए, भगवान ना करे कुछ हो आपके एंजल को। लेकिन अगर उसका एग्रेशन बढ़ गया, क्योंकि फिशेस का एग्रेशन कभी सेम नहीं होता है, आप ऑस्कर टैंक के साथ थ्री स्पॉट गुरामी को ग्रो करिए, ब्लू गुरामी, हनी गुरामीज होती हैं उनको ग्रो करिए, वो ग्रो हो जाएंगी साथ में। लेकिन जब ऑस्कर अपने फुल साइज पर पहुँचते हैं अबाउट 10 इंच टू 15 इंचेस के बीच में पहुँचती है और जब आपकी वो जो गुरामी होते हैं वो 3 से 4 इंच 5 इंच की में रह जाती है, तो ऑस्कर क्या करती है, वो किसी किसी केस में तो होता है कि उससे कुछ नहीं बोले क्योंकि फेमिलियर होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपने साथ, वो उस गोरामी को खा जाती है पकड़ के। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो दोस्त बन जाती हैं, हो जाती हैं, ये पूरा डिपेंड करता है फिश के एग्रेशन पे। तो और ये 95% होता ही होता है कि दूसरी वैरायटी के दूसरी वैरायटी के साथ नहीं चलती हैं। सिर्फ 5% ही है कि ऐसा हो सकता है कि किसी वैरायटी के साथ कोई सी फिश चल जाए, सब फिशेस का एग्रेशन सेम नहीं होता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स, ये बात भी ज़रूर ध्यान रखिए, आप कभी भी कोई भी फिश ऐड करने से पहले ये बात ज़रूर सोचिए कि कौन सी फिश किस फिश के साथ सूटेबल होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की साइड, जो कि मैंने अपने दोस्त से पूछा था और देखते हैं उसने क्या आंसर दिया और मेरा वो क्वेश्चन था क्या।
दोस्तों मुझसे प्रवेश ने सातवां सवाल और आखिरी सवाल ये की थी कि अगर आपके पास कोई प्रेडेटर फिश है जैसे कि अरवाना या बाइशप या स्टिंगरे, तो उसको फीडिंग गोल्ड फिश देना चाहिए कि नहीं। तो मैंने तो उसको बोल दिया हाँ बिल्कुल देना चाहिए, एक तो वो प्रेडेटर फिश है तो हंट करना उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। तो मैंने ये भी कह दिया कि अरवाना फिश और स्टिंगरे अगर छोटी है तो उनको मूली या गप्पी खाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि गोल्ड फिश सॉफ्ट होती है तो वो बिना हिचकिचाए हुए उसको आराम से खा सकती है। तो मेरा तो इसका कहना है कि उनको बिल्कुल देना चाहिए, इससे वो एक्टिव रहेंगे, उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट बरकरार रहेगा और ऊपर से उनको खाने और हंट करके खाने में उनको मज़ा भी आएगा। तो ये मेरा आंसर था भाई। और जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं भी एग्री करता हूँ कि जो गोल्ड फिश होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और फिशेस को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, और जो प्रेडेटर फिशेस होती हैं उनको कैच करने में, और जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है कि वाइल्ड में उनको पकड़ पकड़ के खाती हैं मछली बहुत ज़्यादा तेज़ भाग के उनके पीछे और एकदम हंट करती हैं फिशेस को, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो और गोल्ड फिश सॉफ्ट भी होती है तो उनको खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो ये फीडर गोल्ड फिशेज होती हैं इनको बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से राइज अप किया जाता है फार्म्स में, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से पेट किया जाता है, वहाँ पे उनको कुछ खाने को भी नहीं दिया जाता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल से ही ज़िंदा पहुँच पाती है अपने शॉप तक, और अगर शॉप तक ज़िंदा पहुँच गई तो वहीं पर उनको कुछ खाने को मिलता है और बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स वगैरह रहते हैं इनमें। तो इसलिए अपन को इसको कभी भी अपने किसी भी प्रेडेटर फिश को उसको फीड में नहीं देना चाहिए। और एक और सबसे बड़ा रीज़न जो है ये है कि आप उसके जो पैरासाइट्स वगैरह हैं वो तो आप उसको क्वारंटीन करके उसके सब ख़त्म कर देंगे, उसको ट्रीटमेंट देके उसके सब ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो एक चीज़ है जो आप उसके ख़त्म नहीं कर सकते कभी भी वो है म्यूकस। जो गोल्ड फिश होती है उसमें एक म्यूकस बनता है जो कि अपने फिशेज को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती हैं, वो म्यूकस अपने गोल्ड फिश को अदर पैरासाइट्स वगैरह से बचाता है और वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है उसकी बॉडी से कि जब अपने फिश उसको खाती है और जो म्यूकस भी उसके अंदर जाता है तो फिश को तो डाइजेस्ट कर पाती है लेकिन जो म्यूकस होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसकी वजह से उसको ब्लोट स्विम ब्लेडर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है और एट टू एंड अपने प्रेडेटर फिशेस की जैसे कि अरवाना उसका वगैरह की डेथ हो जाती है। इसलिए कभी भी गोल्ड फिश को फीड नहीं करना चाहिए अपने फिशेस को, वो सॉफ्ट होती है माना लेकिन लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है अपने फिशेस के लिए, कभी भी फीड नहीं देनी चाहिए अपन को उसको गोल्ड फिशेस, फीडर गोल्ड फिश या कोई भी गोल्ड फिश फीड नहीं करनी चाहिए क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है गोल्ड फिश में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है अपने फिशेस के लिए, वो एज अ स्लो पॉइजन काम करता है अपने फिशेस के लिए और एट टू एंड अपने फिश को डेथ मतलब मार डालता है। तो फ्रेंड्स आप कभी भी गोल्ड फिश फीड नहीं करिए। और फ्रेंड्स जैसे कि मेरे फ्रेंड ने बात करी कि अपन स्टिंगरे और जो अरवाना वगैरह है उनको हंट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो अपन उनको गप्पीज़ वगैरह या मूलीज़ वगैरह दे सकते हैं ताकि वो उनके पीछे भागें और उनको पकड़ने बहुत मज़ा आता है, पकड़ लें और खा जाएं। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अपन उनको नेचुरल जगह पे नहीं रखें कि वो उसको पकड़ पाएँ और वो कर पाएँ, जिनके बड़े बड़े भी टैंक्स होते हैं या छोटे टैंक्स होते हैं तो क्या होता है जब अरवाना के साथ अपन कोई फिश डालते हैं, जैसे मूली डाल दी समझ लीजिए मैंने, तो अरवाना एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ईटर है, अरवाना उसको देखते ही साथ अपना एक्शन लेगी और उसके पीछे पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा तेज़ी में, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी बॉडी कहाँ पे घल रही है क्या हो रहा है उसके साथ, वो फिल्टर में घलेगी, वो ग्लास पे घलेगी, उसको वो खाने के लिए इवन बाहर भी उचक जाएगी, अगर वो सरफेस पे पहुंच जाएगी मूली तो नीचे से अटैक करेगी फिर उस पर और बाहर उचक के जो लिड होगा लिड पे घलेगी। तो ऐसे क्या होता है अपनी खुद की फिश को उसको एक छोटी सी फिश खिलाने के चक्कर में अपनी खुद की फिश को अपन नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और किसी किसी केस में क्या होता है जब वो बाहर उचकती है तो उसके स्विम ब्लैडर में लग जाती है ऊपर लिड से और उसके थ्रू उसका स्विम ब्लैडर प्रॉब्लम हो जाती है, वो मर जाती है। तो अपन को कभी भी ऐसे मतलब फिशेस वगैरह फीड करने से तो अच्छा है, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप उसको फ्रेश फूड या तो फिर कोई ऐसा फूड अच्छा सा दें जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, फ्रेश श्रिम्प, फ्रेश प्रॉन्स, ये सब मतलब फ्रेश फ्रूट दें, वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो ईजिली उसको खा भी सकती हैं और उसमें सेम उनको प्रोटीन मिलेगा, बल्कि किसी किसी में तो फिश से ज़्यादा ही होता है फ्रेश फूड में प्रोटीन। तो फ्रेंड्स ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि अपन को कभी भी गोल्ड फिश फीड नहीं करनी है अपने प्रेडेटर फिशेस को, और कभी भी मतलब अगर आपके पास कोई छोटा टैंक है अगर तो बिल्कुल भी उसमें मूली या गप्पी या कोई भी फिशेस नहीं डालिए जिसको आपके फिश को पकड़ना पड़े तेज़ भाग के। हाँ अगर आपको वो सब करने में मज़ा आता है दूसरे फिशेस खिलाने में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन अगर किसी को आता है तो अगर आपके जहरवाना वगैरह या कोई भी फिश है
तो आप उसको पॉन्ड में रखिए, पॉन्ड में उसको लाइफ फीड दीजिए, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छे से ले लेगी और उसको लगेगी भी नहीं क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एरिया होगा स्विम करने के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी सलाह कि आप अगर आप टैंक वगैरह में रखें अपनी फिशेज तो उनको लाइफ फीड मत दीजिए, उसको कोई फ्रेश फूड दीजिए अच्छा सा ताकि वो ईजिली खा ले और अपनी फिश को लगे भी ना। और गोल्ड फिश तो बिल्कुल भी फीड नहीं करिए अपनी फिशेज को, बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके में ग्रो करी जाती हैं। और एक और बात फ्रेंड्स, जो गप्पी और मूली भी अगर आप दे रहे हैं तो उनका भी मैं बता देना चाहता हूँ, जो फीडर मूलीज और फीडर गप्पीज होती हैं उनको भी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में ग्रो किया जाता है, तो उनमें बहुत सारे पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, तो उनको भी पहले खिलाने से पहले अबाउट मिनिमम 15-30 days तक उनको क्वारंटीन करिए अपने पास, उनका ट्रीटमेंट करिए ताकि सारे पैरासाइट्स वगैरह खत्म हो जाए उनसे। तो फ्रेंड्स ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए कभी भी गोल्ड फिश फीड नहीं करनी चाहिए अपने फिशेस को। तो फ्रेंड्स यहीं पे वाइंड अप करते हैं अपनी वीडियो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा फ्रेंड है चरण राज, जो भी वीडियो में बीच बीच में आ रहा था अपने, जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा था, जो जिसको मैं करेक्ट कर रहा था, ये एक बहुत अच्छा फिश कीपर है, इसको अबाउट 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है और इसको सब कुछ पता है। ये सब हमने सिर्फ आपको एक मतलब एक मजाक के तौर पर रखा था ये सब आपको समझाने के लिए कि अपन को क्या करना चाहिए एक्वेरियम में, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मिथ्स हैं लोगों के, क्या मिसकंसेप्शन हैं लोगों के एक्वेरियम से लेके। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, और जो मेरा फ्रेंड है और मैं हूँ, हम लोगों को ये सब बातें पता है, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इसलिए छोटा सा एक थोड़ा सा मजाक टाइप का रखा था ताकि आप सबको ही पसंद आए, आप भी सब समझ जाएं कि आपको क्या करना चाहिए एक्वेरियम के साथ, क्या नहीं करना चाहिए। मेरा फ्रेंड एक बहुत अच्छा फिश कीपर भी है, ये बात सच है, और अगर आपको उससे कोई भी क्वारी है आप उससे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स को मिलाते हैं मेरे फ्रेंड से पहले। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी एक्वेरियम्स के बारे में जो मिथ्स और रॉन्ग कंसेप्शन है उनको क्लियर करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे दोस्त प्रवेश चौरासिया का चैनल एक्वेरिस्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने एक छोटी सी नई कोशिश की ताकि लोगों को देखने में मज़ा भी आए और हमें भी बनाते हुए थोड़ा सा मज़ा आया इसमें, तो थैंक यू। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए हम लोगों को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हम लोगों के सबके अकाउंट की, मेरे फ्रेंड की भी अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरी भी अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक्यूरिस्ट और प्रवेश चौरसे नाम की। तो फ्रेंड्स जाके फॉलो करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।